नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन से लद्दाख सीमा पर भारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे हैं। मॉस्को में राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन इस बैठक से पहले एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल रक्षा मंत्री जब पहुंचे तब भारत की तीनों सेनाओं के अधिकारी वहां उनके स्वागत में थे। इस दौरान वायुसेना के अधिकारी से राजनाथ सिंह की मुलाकात पहले हुई। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। हालांकि अधिकारी ने भूल से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन तब भी रक्षा मंत्री ने उनसे नमस्ते ही किया और हालचाल पूछकर थल सेना और नौसेना के अधिकारी की ओर मुखातिब हुए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि आज शाम मॉस्को पहुंचा, रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के साथ शुक्रवार को द्विपक्षीय बैठक का इंतजार कर रहा हूं। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री परवेज खटक के भी SCO की बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। SCO कार्यक्रम से अलग राजनाथ सिंह और वेई के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने कहा था कि ऐसी कोई योजना नहीं है। इस संगठन में 8 देश भारत, रूस, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। संभावना है कि इस मीटिंग में 8 देशों के रक्षा मंत्री क्षेत्रीय आतंकवाद, कट्टरवाद से सुरक्षा मुद्दों और इनके खिलाफ संयुक्त लड़ाई पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक तब हो रही है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गंभीर सीमा विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक AK-203 राइफल सौदे को अंतिम रूप देने और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जल्द से जल्द आपूर्ति करने पर जोर देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।